अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। जो नाला है सिर्फ वही नाला लेना चाहिए ना, मकान को नाला नहीं बनाना चाहिए। जब इतने दिन से हम वाटर टैक्स जमा कर रहे थे, हाउस टैक्स जमा कर रहे थे, तब नहीं सवाल उठना चाहिए था कि आप मत जमा करिए। बस आप आके कह दिए कि ये गिरना चाहिए, आप बेचारे गिरा देंगे, कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरैल रिवर फ्रंट को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और तेजी से जुट गया है। बीकमपुर अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई होने के बाद अब रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर कॉलोनी, पंत नगर और अबरार नगर में अवैध निर्माणों पर एलडीए की बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि इन चारों कॉलोनियों में रिवर फ्रंट के जद में आने वाले अवैध मकानों का सर्वे एलडीए जिला प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। रही नगर, पद नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में तोड़े जाने वाले मकानों का चिन्हीकरण करके लाल निशान भी लगाया जा रहा है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक कुकरैल नदी की कुल चौड़ाई 35 मीटर है और नदी के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में आने वाले अवैध मकानों को चिन्हीकरण किया जा रहा। माना जा रहा है कि कुकरैल नदी के किनारे करीब 3 किलोमीटर तक मकानों को जमींदोज किया जाएगा। रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर और अबरार नगर में करीब 1000 मकान टूटने की संभावना है, जिनमें रहीम नगर में 100, इंद्रप्रस्थ नगर में करीब 50, पंत नगर में करीब 250 और अबरार नगर में 600 मकान हैं। वहीं चारों कॉलोनियों में मकानों को गिराने पर करीब 10,000 की ज्यादा आबादी बेघर हो सकती है। जो नाला है सिर्फ वही नाला लेना चाहिए ना, मकान को नाला नहीं बनाना चाहिए। आप अपना नाम बता दिए। मेरा नाम सुमन श्रीवास्तव है। आपको अब बताइए क्या हुआ सुमन जी? जब जो मकान 34 साल से है उसको आज क्यों गिराया जा रहा है? सबसे पहला सवाल ये है, जब इतने दिन से हम वाटर टैक्स जमा कर रहे थे, हाउस टैक्स जमा कर रहे थे, तब नहीं सवाल उठना चाहिए था कि आप मत जमा करिए। आवाज कट रही है आपकी। अभी एलडीए की टीम आई, क्या कुछ बताया आपको? वो कुछ नहीं, बस निशान लगा के चले गए कि यहाँ से वहाँ तक गिरेगा। ऐसे कैसे गिर जाएगा ये बताइए। रजिस्ट्री वगैरह है इसकी? सब कुछ है मेरे पास। लेबर की नौकरी करते थे, अभी 2 साल हुआ है इनको मकान हुए बनाए हुए। बताइए अब ये बेचारे ये क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? नहीं, बंधे ही गलत है, बंधा उन्होंने बना दिया, एक तरफ फिक्स हो गए उसका। बस आप आके कह दिए कि ये गिरना चाहिए, अब बेचारे गिरा देंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार क्या कर रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ाई जा रही है और मकान तोड़े जा रही है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई वो निशान लगा रहे हैं, बंधा जो दिख रहा है आपके सामने वहाँ से, हाँ हो सकता हूँ बंदा इधर बना हो, 20 मीटर 25 मीटर 50 मीटर इधर शिफ्ट करके बनाया हो। हाँ। वो जमीन इधर पूरी कर रहे हैं, बंदे की पैमाइश हो पहले, हो सकता बंदा और उधर होना चाहिए था। इन्हें कोई फिक्स ही नहीं है, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इधर से किधर, गूगल मैप से नाप रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं उधर बढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा इनका। बता दिए ओझा जी क्या हुआ यार? तो हाथी या घोड़ा लेके लोग देखेगा तेरा, हाथी घोड़ा जू देखेगा।